हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो वन विभाग में भर्ती आई हुई है और आप इसमें किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे और अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे, जिसमें आपको टोटल पोस्ट 655 वैकेंसी दी गई है और जो आपको इसमें पोस्ट मिलेगी वन रक्षक प्लस आपको एक अदर वैकेंसी भी इसमें दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और सबसे बड़ी बात, आपको जो इसमें आवेदन करना होगा ऑनलाइन मोड से आपको उसमें आवेदन भी फिल करना होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा, प्लस आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, प्लस आपको ये बताऊंगा किस प्रकार से आपको इसका आवेदन फिल करना होगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को विदाउट स्पीक देखते रहिए। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको वीडियो को फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। जैसे आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो यार रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टोटल पोस्ट मिलेगी 655 पोस्ट मिलेगी टोटल। जो पोस्ट नहीं मिलते टोटल आपको उसमें दो प्रकार की वैकेंसी दी गई है, फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षक और यहाँ पर वर्ल्ड लाइफ गार्ड यानी कि वाणिज्य जीव रक्षक की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसी दी गई है, जनरल के लिए 415 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 134 पोस्ट है, एससी के लिए 93 पोस्ट है और एसटी के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट दी गई है। अप्लाई मोड जो रहेगा ऑनलाइन मोड से आपको इसमें आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई भी कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आप इसमें किसी भी स्टेट से आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और फ्रेंड, जो आज क्वेश्चन होगा ये आपकी स्क्रीन पर, 2019 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया? ए केन विलियमसन, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी इनमें से कोई नहीं। जो भी आपको इसका राइट आंसर लगा हो नीचे यार कमेंट बॉक्स में प्लीज यार इसका आंसर जरूर देकर जाना। अब देखिए फ्रेंड, जो उसमें आपका पे स्केल रहेगा यानी कि जो उसमें आपकी सैलरी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, वो 5200 से लेकर 20200 रुपये पर मंथ तक का आपका पे स्केल यानी कि इसमें आपकी सैलरी भी रहेगी। अगर फ्रेंड्स हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आपके 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 ईयर की छूट मिलेगी, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको उसमें 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। अब देखिए फ्रेंड, जिसमें आप आपके फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है जो उनकी हाइट होनी चाहिए जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपके लिए 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं यानी कि फीमेल है और एसटी कैटेगरी से हैं तो 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से चेस्ट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए 84 सेंटीमीटर और एसटी वाले के लिए यहाँ पर 82 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, प्लस दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना अनिवार्य है। अब देखिए जो फ्रेंड्स में एप्लीकेशन फीस रहेगा वो जनरल ओबीसी और अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 185 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 95 यानी कि 95 रुपये पर कैंडिडेट पे करना होगा। अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो आपके लिए इसमें 25 रुपये पर कैंडिडेट पे करना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो यार प्लीज़ यार एक रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करके जाना। अब देखिए फ्रेंड्स, जिसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पर फिजिकल टेस्ट रहेगा, यानी कि दो स्टेज आपको कंप्लीट करनी होगी। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जो आप करेंगे उत्तर प्रदेश में रहेंगे। और जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें आवेदन भी कर पाएंगे, वो अपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। फिर जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी 18 जुलाई 2019 से स्टार्ट हो चुका है, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 8 अगस्त से पहले आपको इसमें आवेदन कर लेना, यानी कि इसकी लास्ट डेट 8 अगस्त रहेगी। और जो आप करेक्शन करना चाहते हैं यानी कि अगर आपका फॉर्म गलत हो जाता है और आपको सही करना है तो उसके लिए 18 अगस्त 2019 से पहले आपको अपना फॉर्म भी सही कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना होगा सम इंपोर्टेंट लिंक्स, आने के बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक कर आपको उस पर क्लिक करना है आवेदन करने के लिए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर कम से कम इस वीडियो पर 300 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो जो सेकंड लिंक है आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं अधीनस्थ चयन आयोग यानी कि UPSSSC की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, 18/7/2019 को नोटिफिकेशन जारी हुआ और 18/7 से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 8/8/2019 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो संशोधन यानी करेक्शन करने की लास्ट डेट दी गई है वो 16/8 दी गई है। इसी प्रकार से आपको एक बार रीड करना है, लेकिन मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बता दिया हुआ है जो इस नोटिफिकेशन में बताया हुआ है।
अगर फ्रेंड्स आपको लगता है इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।